लोकसभा की तैयारी में हर दल जुट गया है। बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। जमशेदपुर में फिलहाल इंडिया अलायंस की तरफ से उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन बीजेपी डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दी है। हमारे साथ प्रदीप वर्मा जी हैं, राज्यसभा के मेंबर भी हैं और जमशेदपुर में अपने पार्टी के लिए पसीना भी बहा रहे हैं। कितना संतुष्ट हैं, तीसरी बार पार्टी ने विश्वास जताया है विद्युत वरण महतो पे, जनता जो मतलब विश्वास दिखाएगी। देखिए, जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र में विद्युत वरण महतो एक जन नेता की तरह है। विशेषकर आप जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से जिस प्रकार का जुड़ाव और लगाव विद्युतदा का देखने को लगातार मिलता है, वो बहुत कम नेताओं का उस प्रकार का होता है। विद्युतदा पिछले दो बार से यहाँ सांसद रहे, विकास के जो कार्य किए वो कल्पना से बाहर है। दूर दराज के क्षेत्रों में जो मूलभूत आवश्यकता थी उसको पहचानना और वहाँ काम करना, आप जिधर जाइए उधर विद्युतदा का किया हुआ काम आपको नजर आएगा। उनका सहज सरल स्वभाव, बिना किसी औपचारिकता के सभी कार्यकर्ताओं से मिलना, किसी के भी घर जाना, सभी कार्यक्रमों में पूरी सक्रियता के साथ अपनी भागीदारी रखना, ये वो गुण है उनके जो उन्हें जन नेता बनाता है। तो स्वाभाविक है पार्टी ने तीसरी बार उनको यहाँ से मौका दिया है और इस बार वो निश्चित रूप से 2019 के रिकॉर्ड को तोड़ करके उससे भी अधिक मतों से विजयी होंगे। लेकिन यहाँ जितने विधानसभा हैं अगर कुल मिलाकर देख ले तो आपके विधायकों की संख्या कम है और सत्ता दल की ज़्यादा है। देखिए, 2019 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था वो परिस्थितियाँ और आज 4.5 साल बाद की अभी की परिस्थितियाँ एकदम अलग हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जब हम विधानसभा चुनाव में गए थे तो विपक्ष के द्वारा कई प्रकार के भ्रामक प्रचार इतनी प्रखरता से किए गए थे कि कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूज़न का वातावरण मतदाताओं में बना था। ट्राइबल में तो अभी भी सिंपैथी दिख रही है पूर्व की सरकार को लेकर, वो कह रहे हैं कि भाजपा को जेल नहीं भेजना चाहिए था, वो डायरेक्ट आप पे ब्लेम कर रहे हैं, एजेंसी का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं। नहीं, मैं इस आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। हम लोग भी काफ़ी नीचे बूथ स्तर पे, शक्ति केंद्र स्तर पे जाकर के कार्यकर्ताओं से, मतदाताओं से सीधे मिल रहे हैं। अभी लाभार्थी संपर्क का एक बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया है। चारों तरफ ये वातावरण है कि राज्य को लूटने वाले, जल जंगल जमीन की बात करने वाले, आदिवासी की बात करने वाले। राज्य के मुख्यमंत्री ने सर्वाधिक आदिवासियों को ही लूटा है, उन्हीं की जमीन को लूटा है और उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की सजा आज उनको मिल रही है। आज वो जेल में है, जनता उनको सजा मिलने से खुश दिखती है। जिस प्रकार का भ्रष्टाचार पिछले 4.5 साल में ब्लॉक से लेकर थाना से लेकर के ऊपर के स्तर तक दिखा है और जिसकी भुक्तभोगी इस राज्य की जनता रही है, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति रही है, जनता त्रस्त रही है। जनता को याद है कि इसी राज्य में मुख्यमंत्री अपनी विधानसभा में उनके अपने विधायक प्रतिनिधि के द्वारा 1,000 करोड़ से अधिक की का अवैध खनन किया गया। लेकिन अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनका क्षेत्र है ये, कैसे आप लगता है कि इतना आसान होगा आपके लिए? देखिए, ये मुख्यमंत्री जी ठीक है, लगातार कई बार जीते हैं, लेकिन यही मुख्यमंत्री जी 2014 में 800 वोट से जीते थे और बाद में भी कई बार वो हारते हारते बचे थे। ऐसा नहीं है कि एकदम से अवैध है, ठीक है। मुख्यमंत्री जी सरायकेला से लगातार विधायक रहे हैं, पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़े ही समय के शासन में वो जिस तेजी से अलोकप्रिय हो रहे हैं, जिस तेजी से उनकी इमेज बन रही है कि वो एक कठपुतली की तरह हैं, ये उनको बहुत नुकसान पहुंचाएगा और आने वाले चुनाव में इसका दुष्परिणाम हो सकता है कि उनको भोगना पड़े। यहाँ पे यूरेनियम का खदान है जो भारत विश्व गुरु बनना चाहता है न्यूक्लियर पावर में, लेकिन वहाँ का दंश तो लोग झेल रहे हैं, वो नेताओं के जुबान से गायब है वो मुद्दा। बेरोजगारी जमशेदपुर में टाटा के होने के बावजूद भी चरम पर है, वो मुद्दा गायब है। आपने पर्यावरण का नाम लेके वो जो घाटशिला में बन रहा था एयरपोर्ट, जो 19 में उसका काम भी हो गया था, उसको केंद्र ने रोक दिया, लेकिन यहाँ पे पर्यावरण का क्या हाल है आप तो देख ही रहे हैं जमशेदपुर के। भारतीय जनता पार्टी लगातार
जन सरोकार के मुद्दों को लेकर राजनीति करने के लिए जानी जाती है। हमारे जनप्रतिनिधि हमेशा जन सरोकार के मुद्दों को लेकर के राजनीति करते आए हैं। विद्युत दा ने भी पिछले अपने कार्यकाल के दौरान ऐसी कई योजनाओं का विरोध किया या रोकने का काम किया जिससे बहुत बड़ी संख्या में जनता प्रभावित हो रही थी, जिसका कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं हुआ था, तो वैसे उन्होंने विरोध किया है। और जहाँ तक खनन और उससे उत्पन्न समस्याओं का है, तो बेहतर प्रबंधन के द्वारा उन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, किया गया भी है। पिछले हाल के 10 वर्षों में विशेष करके आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार के कार्यकाल में देखिएगा कि खनन के क्षेत्र में हमारा प्रबंधन पहले से बहुत बेहतर हुआ है। आधुनिक तकनीकी का उपयोग करना, कम से कम उसका इम्पैक्ट पर्यावरण पे पड़े, कम से कम उससे विस्थापन हो, ऐसी कई चीज़ों को अडॉप्ट किया गया। भारत सरकार की जो PSU कंपनियां हैं जो खनन के क्षेत्र में हैं, उन्होंने हर क्षेत्र में इसमें विकास किया है और इस पर लगातार काम हो रहा है, इस पर लगातार फोकस है और इस पर बहुत काम हो रहा है। तो निश्चित रूप से जो समस्याएँ रही हैं, पुरानी समस्याएँ, उनको धीरे धीरे दूर किया जाएगा। एक आखिरी सवाल है मेरा, अगर आप ही के दल से कोई विपक्ष में यहाँ उम्मीदवार हो गया तो क्या प्रदीप वर्मा के माथे की शिकन बढ़ जाएगी, या आपको लगता है कि वो कोई भी उम्मीदवार हो, कोई टक्कर नहीं हो? देखिए, इस चुनाव में किसी के भी उम्मीदवार होने से कहीं कोई टक्कर में नहीं है। प्रधानमंत्री जी का चेहरा जनता के हृदय में विराजमान है। जिस प्रकार से 10 वर्षों से उन्होंने गरीब कल्याण के कार्यक्रम चलाए, विकास की रूपरेखा कीजिए, बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास को नारे से एक विचारधारा में परिवर्तित किया, तो प्रधानमंत्री जी सबके हृदय में विराजमान है, कमल फूल सबके आंखों में बसता है। प्रत्याशी कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष तो इतना हताश और निराश है कि जमशेदपुर जैसी सीट से वो प्रत्याशी नहीं खोज पा रहा है। वास्तव में वो खोज नहीं पा रहा है, ये बात ठीक नहीं है। ठीक बात यह है कि कोई व्यक्ति विपक्ष के टिकट पर लड़ना नहीं चाह रहा है, वास्तव में ये बात है। रांची में उनको आदमी नहीं मिल रहा है, जमशेदपुर में उनको आदमी नहीं मिल रहा है, तो ये स्थिति अपने आप में दर्शाती है कि विपक्ष हताश है। किसी के भी प्रत्याशी बनने से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रधानमंत्री जी देश के तीसरी बार कमान संभालें, ये देश की जनता चाहती है, झारखंड की जनता चाहती है, और झारखंड की जनता ने मन बना लिया है। जब हम नीचे संपर्क कर रहे हैं जनता से, कार्यकर्ताओं से, तो बहुत प्रखरता से, और जनता हम सब से आगे है। हम जनता को समझाने जा रहे हैं, अगर हम 5 योजना समझाते हैं तो वो 15 हमें बताते हैं कि देखिए आप 10 छोड़ रहे हैं, इसका भी हमें लाभ मिला। तो जनता बहुत आगे है। जिस प्रकार से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो, चाहे सरकारी योजनाओं को बिना भ्रष्टाचार के नीचे तक पहुंचाने का कार्यक्रम केंद्र सरकार का हो, तो जनता ने मन बना लिया है प्रधानमंत्री जी को इस लोकसभा से भारी मतों से विजयी बनाएगी। आपको भी इच्छा था लोकसभा का, वहां पसीना नहीं बहा पाए, आपको राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया अपर हाउस का, इस वजह से अब दूसरे के लिए लोकसभा में पसीना बहा रहे हैं? देखिए, हम सब भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं, हमारी कार्य पद्धति में ठीक है, अपनी बात हम सब भी रखते हैं, हर कार्यकर्ता का हक होता है। दीनदयाल जी ने भी कहा था कि हर राजनीतिक कार्यकर्ता को जनप्रतिनिधि बनने की योजना पर काम करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जनप्रतिनिधि बनने की योजना पर कोई कार्यकर्ता काम करता है तो वो गंभीर राजनीतिक कार्यकर्ता माना जाता है। तो उस दृष्टि से सबकी इच्छा रहती है, लेकिन अपनी कार्य पद्धति इस प्रकार की है कि संगठन तय करता है कि किस सीट पर जीतने वाला सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी उसके पास उस समय कौन है, और उस दृष्टि से निर्णय होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसको स्वीकार करते हैं। हम सब भी इसी दृष्टि से चीज़ों को देखते हैं। हमारे राज्य का नेतृत्व है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो तय करता है, जो भूमिका तय करता है कार्यकर्ताओं की, हम उस भूमिका में काम करते हैं। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF।
झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम।